हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब सोच रहे होंगे कि हम इतना रेडी सेडी होके कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, तो आइए आपको बताते हैं, हम जा रहे हैं तुलसी का पौधा और साथ में कृष्णा को लेकर अपने न्यू ओन हाउस में। चलिए मिलते हैं वहाँ पर, फिर आपको बताते हेलो हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ मेरे नए घर के गृह प्रवेश का। तो अमेरिका में हम कैसे गृह प्रवेश कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, तो ये पूरा ब्लॉग आप देखिएगा और जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने हाउस वार्मिंग में पहनी है सीधे पल्ले की चुनरी की साड़ी। कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। तो अभी मैंने तैयारी कर ली है पीछे, ये देखिए तोरण लग चुका है। बस हम भी आए हैं न्यू घर में और आज यहाँ पर थर्सडे 29 जून एकादशी का दिन है। तो व्लॉग थोड़ा सा लेट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें थी वो मैं बाद में शेयर करूंगी। यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी क्योंकि आज हाउस वार्मिंग में होने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा। दोस्तों, मॉर्निंग का 7 o'clock हो चुका है। पूजा के साथ साथ मैं यहाँ रंगोली लगाऊंगी रेडीमेड वाली क्योंकि बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। और ईशान ने भी येलो कलर कुर्ता पहन लिया है, तोरण लग चुका है, सब लोग रेडी हो चुके हैं इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में। और देखिए मैंने यहाँ पर कैसे मेहंदी लगाई हुई है, एक ही हाथ में लगाई है क्योंकि टाइम नहीं मिला और लेफ्ट हैंड में लगी हुई है। कहते हैं कि हाउस वार्मिंग में जरूर लगाना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो को, आइए हम दोस्तों, बाहर गेट पर गणेश जी की पूजा हो चुकी है, स्वास्थ्य बन चुका है, अंदर एंट्री कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर तुलसी माता रख कर साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। और हम यहाँ इंडियन फैमिली कैसे अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और पूरी तैयारी कंप्लीट है, बस थोड़ा सा रह गया, वो भी हम पूरा कर लेंगे जल्दी ही। तो यहाँ अमेरिका के पंडित जी बहुत बिजी थे, उनके पास टाइम नहीं था कि वो कथा सुना सके, तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही इंडिया के पंडित जी को बुला लिया है और वो कथा सुनाएंगे। तो देखिए ऐसी कथा क्या आपने सुनी है, तो आइए हमारे साथ देखिए ये वाला ब्लॉग। मैं अपनी घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति में सामर्थ्य। घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति में सामर्थ्य। तो यहाँ पर कथा कंप्लीट हो चुकी है और साथ में यहाँ पर भोग भी लग चुका है पंचामृत का, और जो पंजीरी या हलवा बनता है वो बाद में बनाएंगे क्योंकि गैस की पूजा अभी नहीं हुई है। तो पहले हम हवन को कंप्लीट करते हैं और वहाँ से हमारी फैमिली भी है ऑनलाइन, मीन्स फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो हम सब मिलके यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, रियली काफ़ी हैप्पी है। ईशाना ने भी देखिए यहाँ पर हवन शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर हवन लगभग चल रहा था और इसके बाद बेल बजने लगी क्योंकि यहाँ पर फायर अलार्म लगे हुए हैं, अलाउ नहीं होता है। थोड़ी सी लकड़ियों से ही हवन हो गया, बस बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं ये भी देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हाँ।
तो यहाँ पर नारियल फूट चुका है और उसका जल पूरे घर में छिड़कना है। और यहाँ गैस की पूजा होगी तब भी हम प्रसाद बनाएंगे। तो देखिए पंडित जी गैस की पूजा करवा रहे हैं। गैस की पूजा हो चुकी है, अब दूध उबालने की रस्म शुरू होती है और उसके बाद ही हम कुछ बनाएंगे इस पे, मीन्स भोग बनाएंगे भगवान जी के लिए। दूध उबल चुका है, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो चुकी है और अब हम बनाएंगे भगवान जी के लिए हलवा, मीन्स भोग, और उन्हें चढ़ाएंगे। यहाँ पर बस हलवा रेडी होने वाला है थोड़ी देर में और अब हम उसके बाद करेंगे लंच की प्रिपरेशन। फर्स्ट डे है हमारा इस घर में और पूरी तरीके से स्टफ नहीं आया है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है बस हम उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बूंदी का रायता है आज विदाउट गार्लिक और अनियन के यहाँ पर खाना बनेगा। तो पूड़ियाँ निकल रही हैं और साथ में सैलेड, बूंदी का रायता रेडी हो चुका है। चलिए पूड़ियाँ फटाफट निकालते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने खाने में क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर देखिए छोले बन चुके हैं, छोले के साथ पूड़ी निकल चुकी है और बस हम अपनी इंडियन वाली थाली लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान जी के लिए भोग निकालेंगे थाली में और हम निकाल रहे हैं छेने, मीन्स वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं और बूंदी का रायता। चलिए भगवान जी को भोग लगाते हैं और आप भी हमारे साथ आइए, इस पार्टी में शामिल हो जाइए। देखिए यहाँ भगवान जी की थाली रेडी हो चुकी है। और यहाँ लंच हमारा भी लग चुका है, आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। और हम बैठ गए हैं अपने इंडियन स्टाइल में, भारतीय शैली में, जैसे हमारे खाना खाते हैं। इस व्लॉग को आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपको जल्दी ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।